दोस्तों इस वीडियो की रिक्वेस्ट तुषार गेमिंग YT7711 और मैंने खुद ने की है, जिसका रूट है नागपुर से बिलासपुर लाइन। जी हाँ दोस्तों, इसी लाइन के टॉप 10 रेलवे स्टेशन इस वीडियो में आपको जानने को मिलने वाले, तो वीडियो को पूरा जरूर देखे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल स्वाइपर। इस चैनल पर नए और इसी तरह के वीडियो और देखना चाहते तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाए। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई टाइम वेस्ट के वीडियो के अंदर चल के आज कुछ नया जान लेते हैं। दोस्तों नागपुर से बिलासपुर रेलवे लाइन मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट लाइन है। इसी लाइन के गोंदिया में मैं रहता हूँ, इस रेलवे लाइन से मेरा आना जाना काफी रहता है। दोस्तों नागपुर से बिलासपुर रेलवे लाइन एक बिजीएस रेलवे लाइन है। इस लाइन पर टोटल एंड टू एंड 40 ट्रेन चलती है। ये लाइन महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ राज्य से जाती है। इस लाइन का डिस्टेंस 412 किलोमीटर का है और इस लाइन पर ट्रेन मिनिमम 5 घंटे 20 मिनट में और मैक्सिमम 8 घंटों में अपनी जर्नी तय करती है। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे सारे रेलवे स्टेशन को ऑपरेट करता है इस लाइन के, और साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे का ये एक सबसे सफल रेलवे रूट है। इस लाइन का सबसे ज्यादा रोड छत्तीसगढ़ राज्य में ही आता है, 250 किलोमीटर का। तो चलिए दोस्तों जानते हैं टॉप 10 की लिस्ट बॉटम से लेकर टॉप तक। नंबर 10 तुमसर रोड जंक्शन। दोस्तों ये महाराष्ट्र राज्य के भंडारा डिस्ट्रिक्ट का रेलवे स्टेशन है, जिसे साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे नागपुर डिवीजन के साथ ऑपरेट करता है। इस रेलवे स्टेशन पर डेली 7000 पैसेंजर्स का ट्रैफिक रहता है। इस रेलवे स्टेशन पर 5 प्लेटफॉर्म है और इस जंक्शन से तुमसर गोंदिया लाइन, तुमसर नागपुर लाइन और तुमसर बालाघाट लाइन जाती है। इस रेलवे स्टेशन से 3 ट्रेन ऑरिजिनेट होती है और 41 ट्रेन का हॉल्ट होता है। नंबर 9 दोस्तों इस रैंक पर भंडारा रोड और डोंगरगढ़ रेलवे स्टेशन है। भंडारा रोड रेलवे स्टेशन महाराष्ट्र राज्य का रेलवे स्टेशन है, जिसे 1888 से शुरू किया गया था। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे नागपुर डिवीजन के साथ इस रेलवे स्टेशन को ऑपरेट करता है। इस रेलवे स्टेशन पर 3 प्लेटफॉर्म है और डेली 16000 पैसेंजर्स का ट्रैफिक रहता है और इस रेलवे स्टेशन पर डेली 48 ट्रेन का हॉल्ट होता है। डोंगरगढ़ छत्तीसगढ़ राज्य के राजनांदगांव डिस्ट्रिक्ट का रेलवे स्टेशन है, जिसे साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे नागपुर डिवीजन के साथ ऑपरेट करता है। इस रेलवे स्टेशन पर 4 प्लेटफॉर्म है और डेली 10000 पैसेंजर्स का ट्रैफिक रहता है। इस रेलवे स्टेशन से 5 ट्रेन ओरिजिनेट होती है और डेली 48 ट्रेन का हॉल्ट होता है। नंबर 8 दोस्तों इस रैंक पर तिलदा नेवरा और भिलाई पावर हाउस रेलवे स्टेशन है। दोनों रेलवे स्टेशन को साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे रायपुर डिवीजन के साथ ऑपरेट करता है। दोनों रेलवे स्टेशन छत्तीसगढ़ राज्य के रेलवे स्टेशन है। तिलदा नेवरा रेलवे स्टेशन रायपुर डिस्ट्रिक्ट का रेलवे स्टेशन है। इस रेलवे स्टेशन पर 4 प्लेटफॉर्म है और डेली 52 ट्रेन का हॉल्ट होता है। भिलाई पावर हाउस दुर्ग डिस्ट्रिक्ट का रेलवे स्टेशन है, जिसे 1956 से शुरू किया गया था। इस रेलवे स्टेशन पर 3 प्लेटफॉर्म है और 59 ट्रेन का डेली हॉल्ट होता है। नंबर 7 राजनांदगांव रेलवे स्टेशन। दोस्तों ये छत्तीसगढ़ राज्य का रेलवे स्टेशन है, जिसे 1880 से शुरू किया गया था। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे नागपुर डिवीजन के साथ इस रेलवे स्टेशन को ऑपरेट करता है। इस रेलवे स्टेशन पर 4 प्लेटफॉर्म है और डेली 88 ट्रेन का हॉल्ट होता है। नंबर 6 भाटापारा रेलवे स्टेशन। दोस्तों ये छत्तीसगढ़ राज्य के बलौदा बाजार डिस्ट्रिक्ट का रेलवे स्टेशन है, जिसे साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे रायपुर डिवीजन के साथ ऑपरेट करता है। इस रेलवे स्टेशन पर 5 प्लेटफॉर्म है और डेली 96 ट्रेन का हॉल्ट होता है। नंबर 5 गोंदिया जंक्शन। दोस्तों ये महाराष्ट्र राज्य और मेरा होम टाउन है, जिसे 1888 से शुरू किया गया था। इस रेलवे स्टेशन को साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे नागपुर डिवीजन के साथ इस रेलवे स्टेशन को ऑपरेट करता है। इस रेलवे स्टेशन पर 7 प्लेटफॉर्म है और इस जंक्शन से गोंदिया बालाघाट लाइन, गोंदिया नागपुर लाइन, गोंदिया दुर्ग लाइन और गोंदिया बल्लारशाह लाइन जाती है। इस रेलवे स्टेशन से 23 ट्रेन ऑल ओवर इंडिया ऑरिजिनेट होती है और डेली 143 ट्रेन का हॉल्ट होता है। नंबर 4 दुर्ग जंक्शन। दोस्तों ये छत्तीसगढ़ राज्य का रेलवे स्टेशन है, जिसे 1891 से शुरू किया गया था। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे रायपुर डिवीजन के साथ इस रेलवे स्टेशन को ऑपरेट करता है। इस रेलवे स्टेशन पर 6 प्लेटफॉर्म है और इस जंक्शन से दुर्ग गोंदिया लाइन, दुर्ग रायपुर लाइन और दुर्ग अंतागढ़ लाइन जाती है। इस रेलवे स्टेशन से 25 ट्रेन ऑल ओवर इंडिया ऑरिजिनेट होती है और डेली 150 ट्रेन का हॉल्ट होता है। नंबर 3 रायपुर जंक्शन। दोस्तों ये छत्तीसगढ़ की राजधानी का रेलवे स्टेशन है, जिसे 1888 से शुरू किया गया था। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे रायपुर डिवीजन के साथ इस रेलवे स्टेशन को ऑपरेट करता है। इस रेलवे स्टेशन पर 7 प्लेटफॉर्म है और इस जंक्शन से रायपुर टिटलागढ़ लाइन, रायपुर दुर्ग लाइन और रायपुर बिलासपुर लाइन जाती है। इस रेलवे स्टेशन से 23 ट्रेन ऑल ओवर इंडिया ऑरिजिनेट होती है और 181 ट्रेन का डेली हॉल्ट होता है। नंबर 2 बिलासपुर जंक्शन। दोस्तों ये भी छत्तीसगढ़ राज्य का रेलवे स्टेशन है, जिसे 1889 से शुरू किया गया था। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे का यह हेडक्वार्टर है और बिलासपुर डिवीजन इस रेलवे स्टेशन को ऑपरेट करता है। इस रेलवे स्टेशन पर 8 प्लेटफॉर्म है और इस जंक्शन से बिलासपुर रायपुर लाइन, बिलासपुर झारसुगुड़ा लाइन और बिलासपुर अनूपपुर लाइन जाती है। इस रेलवे स्टेशन से 28 ट्रेन ऑल ओवर इंडिया ऑरिजिनेट होती है और डेली 134 ट्रेन का हॉल्ट होता है। नंबर 1 नागपुर जंक्शन। दोस्तों ये महाराष्ट्र राज्य की उपराजधानी का रेलवे स्टेशन है, जिसे 1867 से शुरू किया गया था। यह इस लाइन का सबसे पहला
बड़ा रेलवे स्टेशन है। सेंट्रल रेलवे और साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे नागपुर डिवीजन के साथ इस रेलवे स्टेशन को ऑपरेट करते हैं। इस रेलवे स्टेशन पर 8 प्लेटफॉर्म है और इस जंक्शन से नागपुर इटारसी लाइन, नागपुर इतवारी लाइन, नागपुर गोंदिया लाइन और नागपुर सेवाग्राम लाइन जाती है। इस रेलवे स्टेशन से 21 ट्रेन ऑल ओवर इंडिया ऑरिजिनेट होती है और डेली 267 ट्रेन का हॉल्ट होता है। तो दोस्तों ये सारी इन्फॉर्मेशन नागपुर बिलासपुर रेलवे लाइन के टॉप 10 रेलवे स्टेशन की। ये वीडियो आपको कैसे लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और किस रूट पर वीडियो बनाओ इसके बारे में भी कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।